जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के गढ़बल इलाके में दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां स्थानीय लोगों और स्कूल बच्चों से भरी एक नाव झेलम नदी में पलट गई है। इस नाव में 10 से 12 बच्चे सवार थे, बच्चों के साथ कुछ स्थानीय लोग भी सवार थे। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 3 लोगों को बचा लिया गया है, बाकी लोग लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस और सेना बचाव अभियान चला रही है। बता दें, स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस हादसे के तुरंत बाद उन्होंने पुलिस और प्रशासन को मामले की सूचना दे दी थी, लेकिन वो 1 घंटे बाद मौके पर पहुंचे। वहीं इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दी है और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस नाव में ज्यादातर बच्चे सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में 4 लोगों के शव बरामद हुए हैं और 3 बच्चों को नदी से निकाला गया है। नदी से निकाले गए 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, वहीं बाकी लोगों की तलाश जारी है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण झेलम सहित कई जल निकायों के जल स्तर में वृद्धि हुई है, जिससे यह हादसा हो गया है। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज चैनल। नमस्कार।